आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं पहली फॉरेन मिनिस्टर्स ऑनर्स लिस्ट का ऐलान कर रहा हूं। वो पाकिस्तानी जिन्होंने COVID-19 की सूरत हाल को सामने रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक में सोसाइटीज में अपने नेबरहुड में जिस तरह कॉन्ट्रीब्यूट किया और मुल्क का नाम रोशन किया, मेरी ख्वाहिश थी और वो आज आरजू पूरी हुई है कि उनको रिकग्निशन मिले। हम उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने जो पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए किया है वो शायद मैं भी ना कर सकूं। आपने जिन जिन मुल्कों में जिन जिन सोसाइटीज में आप रह रहे हैं अपनी मेहनत से बगैर खौफ के ईसार और जज्बे के जो हमारी कदरें हैं ना, इंसानियत की कदरें, रवादारी की कदरें, उनको आपने जिस तरह उजागर किया उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स प्रोफेशनल एसोसिएशंस की आज इज्जत में इजाफा हुआ है और लोग बात कर रहे हैं, लोग उनको सराह रहे हैं और आपने जो सही मानों में पाकिस्तान के साबित किया है दैट यू आर द ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, आपका शुक्रिया। आपने मुल्क को इज्जत दी है और आपने माशरे में इज्जत कमाई है। जहां आप रह रहे हैं वहां की आपकी इज्जत में इजाफा हुआ है और हमें हजारों मील दूर ये फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे वो पाकिस्तानी जो दयारे गैर में हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, जिनके सहारे पे ये मुल्क चल रहा है, आपकी रिमिटेंसेस का सहारा आज भी पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम किए हुए हैं, उन्होंने हमारी इज्जत में इजाफा किया है। इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि इसको हम सालाना फीचर बनाएं और मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो अपनी सोसाइटीज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी निशानदेही करें, उनकी इज्जत में इजाफा करने के लिए अपना हिस्सा मिलाएं और उनको रिकग्निशन दें। अपने मिशन को मैंने वाजे हिदायत की है कि ये वो है पाकिस्तानी जिनकी इज्जत हम पर लाजिम है, इनसे एंगेज कीजिए और इनके लिए रास्ते दरवाजे खोलिए। आप हैं वो पाकिस्तानी जिन पर मुझे फख्र है।